आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम का अपडेट किस तरह का रह सकता है मौसम आने वाले दो तीन दिनों में, ये हम आपको बताते हैं। सोमवार और मंगलवार 24 और 25 अगस्त को मौसम का पूर्वानुमान क्या रह सकता है, ये हम आपको बताते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट है। महेश रावलानी के द्वारा मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो भी अपडेट मिले हैं वो अपडेट आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं। 23 अगस्त रविवार और सोमवार 24 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का यह नज़ारा है। रात में मौसम खुला हुआ दिख रहा है, सुबह ये हम आपको दिखा रहे हैं 9 बजे तक मौसम 24 अगस्त को खुला ही दिख रहा है। 11 बजे के लगभग हल्की फुल्की बूंदाबांदी केवलारी क्षेत्र में होती हुई दिख रही है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं 2 बजे दिन में केवलारी घनसौर की तरफ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। 5 बजे शाम को भी मौसम खुला हुआ है। 8 बजे रात तक मौसम खुला हुआ है। 11 बजे रात के बाद अब हम आपको ये जो स्क्रीन पर आप नज़ारा देख रहे हैं सोमवार 24 अगस्त और मंगलवार 25 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा है। मौसम ये माना जा सकता है कि सोमवार को दिन भर खुला रह सकता है सिवनी ज़िले में। मंगलवार का अब हम आपको दिखाते हैं, ये सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात भी मौसम खुला हुआ है। सुबह 6 बजे भी आप देख सकते हैं खुला ही दिख रहा है मौसम। 12 बजे के बाद लखनादौन की कहानी के आसपास बूंदाबांदी होती हुई दिख रही है। 3 बजे दिन में मंगलवार को 2 बजे के बाद ज़िले में बारिश का दौर चालू हो सकता है, बूंदाबांदी हो सकती है। 5 बजे शाम को सिवनी से अगर आप पूर्वोत्तर की ओर जाएंगे तो कानीवाड़ा, छपारा, केवलारी, कहानी, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी और बारिश के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जो जानकारी दी है वो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की ये रिपोर्ट है। मंगलवार 25 अगस्त को शाम 7 बजे का ये नज़ारा है। रात 10 बजे का भी हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। इसके बाद ये स्क्रीन पर जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये मंगलवार 25 अगस्त और बुधवार 26 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट है। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारियां उन्हें प्राप्त हुई हैं वो जानकारियां हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और ये सारी के सारे मौसम के अपडेट, अभी तक जितने भी अपडेट महेश रावलानी के द्वारा मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से दिए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। अगर आपको साई न्यूज़ के वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब कैसा करना है इसके बारे में वीडियो के अंत में, हर वीडियो के अंत में हम आपको बताते हैं। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे बिजली की कड़कन तड़कन और तापमान के बारे में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मौसम का पूर्वानुमान आपको बता रहे हैं सोमवार 24 अगस्त और मंगलवार 25 अगस्त को किस तरह का रह सकता है। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो के से महेश रावलानी की रिपोर्ट है। अब हम आपको बिजली की कड़कन तड़कन के बारे में बताएंगे। वैसे जो पूर्वानुमान मौसम विभाग के सूत्रों ने दिया उस हिसाब से 2 दिन तक बिजली ना तो चमकती दिखेगी ना ही कड़क सकती है, ये आप देख सकते हैं। सोमवार 24 अगस्त को सुबह 10 बजे का नज़ारा है। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं ये 2 बजे तक का नज़ारा, ये शाम 5 बजे सोमवार 24 अगस्त का नज़ारा है। ये 8 बजे रात 24 अगस्त का नज़ारा है। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं सोमवार 24 अगस्त और मंगलवार 25 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। आपने देखा बिजली चमकती हुई सिवनी ज़िले में नहीं दिख रही है, आपको हरे रंग के निशान नहीं दिख रहे होंगे। 25 अगस्त मंगलवार को 25 अगस्त को 4 बजे के लगभग कानीवाड़ा, केवलारी, घनसौर, बरेला, यहाँ हल्की फुल्की बिजली चमकती हुई दिख रही है, चमक सकती है।
इसके बाद एक बार फिर ये स्थितियां बनेंगी मंगलवार 25 अगस्त और बुधवार 26 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा है। अब हम आपको तापमान के बारे में बताते हैं। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये रविवार 23 अगस्त और सोमवार 24 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा दिखा रहे हैं हम आपको। 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बना हुआ है। 24 अगस्त को सुबह 7 बजे तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस और 7 बजे के बाद हल्की उमस आप महसूस कर सकते हैं। तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस ही है। 10 बजते बजते आप देख रहे हैं लालिमा थोड़ी सी बढ़ रही है। तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। उमस कुछ ज़्यादा महसूस हो सकती है। 12 बजे ये नज़ारा इस तरीके का रहेगा। 2 बजे उमस और बढ़ सकती है। तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। यह 5 बजे शाम का हम नज़ारा दिखा रहे हैं सोमवार 24 अगस्त को 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसके बाद मौसम सुहाना होना आरंभ हो जाएगा। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं सोमवार 24 अगस्त और मंगलवार 25 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बना हुआ है और मंगलवार 25 अगस्त को सुबह 7 बजे से ही उमस थोड़ी सी परेशान कर सकती है। तापमान 26 से 27 डिग्री के बीच में रह सकता है। 10 बजे दिन में 9 बजे के बाद उमस थोड़ी और बढ़ सकती है। तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। 1 बजे दिन में तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और 4 बजे के लगभग तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस 31 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है। शाम 5 बजे का ये नज़ारा है मंगलवार 25 अगस्त शाम 5 बजे तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। 8 बजे के बाद मौसम कुछ ठीक ठाक होना चालू होगा और रात 10 बजे का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और स्क्रीन पर जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये मंगलवार 25 अगस्त और बुधवार 26 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के लगभग 24 से 25 के लगभग बना हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट है। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी उन्हें मिली है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन्स वीडियोज़ और मौसम के अपडेट पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को इस चैनल को आपको सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है। आपको सब्सक्राइब कैसे करना है हर वीडियो के आखिरी में हम बताते हैं। फिलहाल हम इजाज़त लेते हैं। आने वाले समय में हम 2 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान आपको आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए या तो आपके पास YouTube होगा, YouTube को खोलिए। YouTube में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं, जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।